प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। ज्ञान की देवी तुमको नमन है मेरा, ज्ञान की देवी तुमको नमन है मेरा। भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा, भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। ज्ञान देती हो सरस्वती।
दूसरी पूर्णिमा की प्रयास करता है और मैं स्वागत सत्कार के तरीको सर्वप्रथम राजस्थानी परंपरा राजस्थानी संस्कृति की इस निराली पहचान को अक्षुण बनाए रखने और से स्वागत किया जा रहा है। मैं समस्त आगंतुक अतिथिगणों का स्थानीय विद्यालय में जो भूतपूर्व जो छात्राएं हैं और साथ ही साथ ग्राम से आगंतुक माताएं बहनों का भी इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे संस्था प्रधान श्रीमान विश्वनाथ जी ग्रंथ साहब से सांग जोड़ा उप सरपंच साथ ही साफा बंधन करके हार्दिक स्वागत करावे। समस्त एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में हमारे इस समारोह हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सुश्री माल्यार्पण कर और शाल ओढ़ा करके करें। कड़ी में स्थानीय इतिहास आपका भी माल्यार्पण कर और साफा श्री विनोद जी द्वारा मैं मांगीलाल जी और साफा वंदन करके स्वागत जोरदार तालियों के साथ हमें आपका इस अभिनंदन करावे। वार्ड पंच साहब ग्राम पंचायत कुशला का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करावे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका माल्यार्पण द्वारा हार्दिक अभिनंदन कराएं। आपका आप इतने कर्मठ है कि चलते फिरते आगे माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। Thank you.
निर्देशन में हुई थी, तो द विस्डम ऑफ द स्कूल डिवीजन में आयोजित हुई थी और जिसमें प्रथम की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित तत्पर रहती हैं अग्रणी किया था। प्रथम खिताब संगीता दर्शा है, भूमिका निभाते हैं किसी दूसरी लड़की के हाथ भर करके एक जितने भी गतिविधियां कह दो। हाँ, दूसरी डिंपल मुकेश आई है तो वो भी आगे आ जाए और काजल कंवर चौहान अपने हमासा के रूप में कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, कोई भी जयंती हो, इनकी तरफ से, क्योंकि ये मेन आधार यही है, इसी के ये इन्हीं की जो ये सेवा है जिसकी बात। श्री जमालुद्दीन जी, विजय कुमार जी, साथ ही साथ की आरएस जो प्री का एग्जाम, साथ ही साथ बीएलओ साहब के सुपरवाइजर, वो बीएलओ आपके सुपरविजन में होती है। I'm not afraid of the dark.
जाओ मुझे
पहुंचाए हुए महंगे मेहमान, हमारी पंचायत की सारी बॉडी यहाँ तैयार है, सुरक्षा की दृष्टि से त्रिकोणमान बॉर्डर आदि अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित थे। राष्ट्रपति पुरस्कार मिस्टर एम सिंह जी, आप सबको हमारी इस कन्या पाठशाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। अच्छे तरीके से चली, कन्याओं ने अपने गीत सामूहिक और एकांकित दोनों बड़े स्वभाव से अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किए। प्यारे बच्चों और बच्चियों, एक बार साथ रहे, मैं दो मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। देखो बालिकाओं, आज जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में क्या दर्शाता है उसको समझने की कोशिश करो। एक बच्ची पूरी पाठशाला के अंदर अनुशासन से, शिक्षा की दृष्टि से और अपने पाठ्य कार्यक्रम में प्रथम स्थान लेती है तो उसका सम्मान होता है, और वो सम्मान खाली पाठशाला तक सीमित नहीं रहता, उसके परिवार में और पूरे गांव में प्रचलित होता है, उसके पिता का नाम भी रोशन होता है। कि देखिए, और मैं आपको दो शब्द कहना चाहती हूँ कि असफल व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना सफल व्यक्ति छोड़ देता है। आप सब सोचते हो कि दो दिन की पढ़ाई में आप सफलता हासिल कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको निरंतर पढ़ना है, आगे बढ़ना है और लक्ष्य की ओर जाना है। रोज पढ़ाई करनी है, आप सभी के एग्जाम भी पास में आ रहे हैं, लगातार पढ़ाई करनी है, इधर उधर की बातों का समय व्यर्थ नहीं करना है और पढ़ लिख जिद भी पहनू पाया सारा हो जाएगा।
सरपंच श्रीमती सोनीदेवी हनुमान जी भाटी, प्रशासन सदस्य पूर्णिमा महाराष्ट्र की योजना हनुमान जी भाटी, प्यारे बच्चों, विद्यालय, समस्त परिवार, इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। मैं इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि पटना सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस उत्सव के उपलक्ष्य में आपके पास एक मौका होता है गांव के बीच में जो भमासा है उनसे जोड़ने का। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस उत्सव के अंदर बहुत सारे भमासा हैं जिसके आपको सिर्फ उनको खोलने की जरूरत है, उनका पेंट जगाने की जरूरत है। विद्यालय में कोई कमी नहीं आएगी पैसों की, पंचायत बॉडी भी काम करेंगे, हम पंचायत समिति पूर्णिमा के फंड से भी आपको पैसे देंगे और जो भी हमसे बन पाएगा हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे। मैं इस विद्यालय के अंदर अभी मेरे किसी वादी से 2 महीने पहले ही मिला हूँ और इन्होंने मुझे यहाँ पे जो भावी समिति ने बताया कि पानी की समस्या बहुत ही मुख्य रूप से है। पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। कर सूरी जी है हम सबके तारणहार, गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनार, 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे रानी वाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानी वाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया।
संजय मुकेश ने भभूतमल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। जा
Turtle.
इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न जाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर पर विराजमान मेरे अजीज साथीगण, विदा लेने वाली छात्राएं एवं इस विद्यालय की खिलती हुई सभी कलियों के रूप में बालिकाएं, और जो इस कार्यक्रम में जिसने सहयोग दिया उन सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे स्टाफ साथियों ने जी जान लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। मैं उनका आभार एवं धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। बात आज है वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह की। सरकार के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को बड़ा ही महत्व दिया गया है, और इस कार्यक्रम की पूरी गतिविधि को सरकार ऑनलाइन देखती है और ऑनलाइन इसका पूरी गतिविधि को अपडेशन किया जाना है, इसलिए इस कार्यक्रम को करना भी बहुत ही जरूरी है। पहले ये कार्यक्रम सिर्फ एक विदाई समारोह के रूप में ही होता था, लेकिन अब ये वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के नाम से जाना जाता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों को और पूर्व विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना अनिवार्य होता है, और इसकी सूचना भी अपडेट करनी पड़ती है। आज इस कार्यक्रम की शोभा जिन बालिकाओं ने बढ़ाई उन सभी को धन्यवाद। साथ में विदाई लेने वाली जो कक्षा 12वीं की छात्राएं हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वो जीवन में सदा सुखी रहे, अग्रसर होती रहे और अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें। इस विद्यालय में रहते हुए हमारा ये दायित्व होता है कि बालिकाएं, इस उम्र की बालिकाएं होती हैं, वो एक किशोरावस्था की बालिकाएं होती हैं, इनको गलत और सही का पता नहीं चलता है, इसलिए हमारा दृष्टिकोण कुछ रूखा सा महसूस होता है इनको। हम कभी फटकारते भी हैं, और मेरी एक आदत है कि इन बालिकाओं को मैं बार बार जाके पूछता था कि आपका कालांश किसका है। मेरा दिल ये दुखता था कि आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, क्योंकि आप अपने घर से निकलते हैं एक अरमान लेकर के निकलते हैं
कि हमें आज स्कूल में जाके पढ़ना है। रूखा जरूर रहता हूँ लेकिन मैं दिल से कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैंने आपको कभी फटकारा हो, कुछ कहा भी हो, तो उसको पितातुल्य समझ करके इस विद्यालय में इन बातों को छोड़ करके जाएं। और आने वाली बोर्ड परीक्षाएं अभी आपके होली के बाद शुरू होने जा रही हैं, तो इन होली के अवकाश का उपयोग करते हुए आप अध्ययन को बंद नहीं करें और आप अच्छी मेहनत करें। एक अच्छा समय मिल रहा है आपको और समय का उपयोग करके आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें जो जीवन में आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपके पास पढ़ाई है तो आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ेगा। और अगर आपके पास सभी साथी गण, प्रिय बच्चों, बारहवीं क्लास आपके लिए पूरे साल भर से वैसे तो कहते ही रहते हैं आपको ये पढ़ो वो पढ़ो, खूब डांटा, ये किया वो किया, लेकिन इन सब के पीछे भी आपकी भलाई ही निहित थी। पूरे साल भर से सबसे ज़्यादा आपको कहा तो उस चीज़ के पीछे एक बात ये निहित थी कि मैंने बहुत जगह देखा है जब भी गांव से आते हैं, इधर उधर जाते हैं, हर जगह खूब सारी लड़कियां आजकल सर्विस के अंदर आ रही है। कोसेलाव गांव के अंदर आज इस गांव का 5 साल से अन्न खा रहे हैं, यहाँ सर्विस कर रहे हैं। तो जितना भी आपको कहा, हमेशा से ये एक इच्छा रही, ढंग से याद करके घर पे बैठ करके देखोगे, पूरे साल का मूल्यांकन करोगे। और आप तो वो हो, जब मैं 9वीं क्लास का क्लास टीचर था तब भी आपका ही क्लास टीचर था, और अब आप इस विद्यालय से विदा हो रहे हो तो भी मैं आपका क्लास टीचर हूँ। तो आप 4 साल के दौरान जितनी भी आपने डांट सुनी है, अगर उनको गौर करके देखोगे तो उसमें आपकी अच्छाई छिपी हुई थी, क्योंकि अधिकतम यही प्रयास था कि यहाँ की बच्चियाँ भी आगे बढ़े। 12वीं तक का विद्यालय, 12वीं तक की शिक्षा खूब अच्छी तरह फैल चुकी है, लेकिन आगे गांव के अंदर देखते हैं भी आज भी प्रीबोर्ड में भी आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। और उम्मीद यही है कि आप सभी हमारी कही हुई अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे और बुरी बातों को यहीं छोड़ जाओगे। अब कई बार क्या है, ये 12वीं क्लास, बाकी क्लास सभी सारे इंटेलिजेंट है, बढ़िया क्लासे हैं, तो 12वीं खास तौर से आपके बीए बीएड के आवेदन भी चल रहे हैं। किसी की आगे ज़्यादा इच्छा हो तो आप कम से कम ये टेस्ट जरूर देना, अगर एडमिशन होता है तो वो करना चाहिए, तो आप अपने अच्छे भविष्य की ओर एक कदम बढ़ा सकते हो। और कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, सुखद हो, और आपका जो इस विद्यालय के प्रति, यहाँ के गुरुजनों के प्रति जो आपका ये जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे। विद्या लेने वाले प्रिय विद्यार्थियों और अन्य बालक बालिकाएँ, ये फूल और मालाएं पहना करके आपके ऊपर एक नई जिम्मेदारी दी जाती है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है इसके लिए लाल तिलक माला पहना करके ये विदाई नहीं है, तुम्हारे ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी दी जाती है कि 12 साल के अंदर तुमने पढ़ाई की है, उसका परिणाम सुनहरा आए, बढ़िया आए, और वो इस स्कूल के इतिहास को और भी सुनहरा करे और तुम्हारे लिए भी फायदेमंद रहे। हर गुरु चाहता है, हर गुरु की इच्छा होती है कि उनका स्टूडेंट अर्जुन बने। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे ना जाता, मन का विश्वास कमजोर।